दोस्तों, एक जंगल में एक जिराफ रहता था। उसकी गर्दन बहुत ही ऊंची थी। लंबी पेड़ से वो हरी हरी पत्तियां खाता था। एक दिन वहाँ से कुछ भैंसे जा रहे थे। जिराफ को हरे पत्ते खाते देख भैंसे वहाँ रुक गए। भैंसे बोलते हैं, हमारे लिए कुछ पत्ते तोड़कर दे दोगे? जिराफ बोलते हैं, मैं किसी का मदद नहीं करता। अगर तुम्हें खाना है तो खुद पेड़ में चढ़ जाओ और खा लो। कुछ दिन बाद गर्मियों के दिन में घास सूख जाता है। फिर से भैंसे कहते हैं, मैदान में घास सूख गया है, क्या तुम थोड़ा सा पत्ते तोड़कर दे सकते हो? मुझे भूख लगी। लेकिन घमंडी जिराफ उसे देने से साफ इनकार कर देता है। फिर भैंस वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन एक शेर अपने बच्चों से कहते हैं, बहुत दिन से बड़ा शिकार नहीं किया है, और दोनों जंगल में शिकार निकल जाते हैं। जैसे ही शेर दहाड़ता है, सभी जानवर उसे सुनते ही छिप जाते हैं। लेकिन जिराफ के गर्दन ऊंची होने के कारण आगे क्या है, इसे जाने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो एक लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, अपने कमेंट बॉक्स में माँ का नाम जरूर लिखना। वो गुफा में नहीं घुस सकता। शेर और उसके बच्चे आ जाते हैं। तभी गुफा घुसे हुए भैंस कहते हैं, इसका मदद करना चाहिए। अभी भैंस गुफा से बाहर निकला और जिराफ को बचा लेते हैं। जिराफ को एहसास हो जाता है किसी चीज के लिए घमंड नहीं करना चाहिए।